हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, द सब्जेक्ट कोड इज़ डबल टू फोर वन एट आई एम सुवर्णा घाटे लेक्चरर एन आई टी नागपुर आवर टूडेज़ टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑन टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर तो इसके पहले वीडियो में हमने डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट क्या होती है ये देखा है इस वीडियो में हम देखेंगे पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है और ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है देन फर्स्ट इज लर्निंग आउटकम आफ्टर वॉचिंग धिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम दैट इज यूज सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर फॉर डिफरेंट अप्लीकेशन तो इस वीडियो से आपको सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर में कौन सी कौन सी टेस्टिंग होती है देन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ होता है ये सीखने को मिलेगा देन द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड द सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एंड अंडरस्टैंड पोलैरिटी टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है देन पोलैरिटी टेस्ट हम क्यों कैरिड आउट करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ पोलैरिटी टेस्ट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये हम इस वीडियो से सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं पोलैरिटी टेस्ट तो पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है पोलैरिटी टेस्ट का क्या परपज़ है ये हम देखेंगे द पोलैरिटी टेस्ट इज़ कैरिड आउट रिलेटिव पोलियरिटी ऑफ दोलैरिटी चेक करने के लिए आयदर इट इज सब्सट्रेक्टिव पोलियरिटी और आयदर इट इज एडिटिव पोलियरिटी ये जानने के लिए हम पोलियरिटी टेस्ट कैरिड आउट करते हैं तो पोलियरिटी टेस्ट का सेटअप हम डायग्राम में देख, देखेंगे सो so, आप यहाँ देख रहे हो दो डायग्राम फर्स्ट वन इज़ द सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी डायग्राम एंड अदर वन इज़ द एडिटिव पोलैरिटी डायग्राम हमें सिंगल फेज़ एसी सप्लाई देना है देन सिंगल फेज एसी सप्लाई कहाँ देंगे हम पहले ऑटो ट्रांसफार्मर में देंगे देन वहाँ से हम क्या करेंगे वोल्टेज को वैरी करेंगे तो वोल्टेज वैरी करने के लिए हमें प्राइमरी साइड में एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा दैट इज़ ऑन द कैपिटल वन एंड ए टू के पैरल में लगाएंगे और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें कहाँ लगाना है वोल्टमीटर स्मॉल ए टू और कैपिटल ए टू के बीच में तो हमेशा स्मॉल वन एंड कैपिटल वन शॉर्ट रहेगा आप यहाँ देख रहे हो स्मॉल एवन एंड कैपिटल एवन शॉर्ट है और जो यहाँ वोल्टमीटर हमने लगाया है दैट इज़ द वोल्टमीटर मीटर शोज़ द पोलरिटी तो आपको अगर यहाँ वोल्टमीटर में हमने अगर सप्लाई में दिया हंड्रेड वोल्ट और आपको यहाँ पे मिल रहा है ज़ीरो यहाँ पे भी आप एक वोल्ट मीटर लगा सकते हो जो आपको V2 की रेटिंग दिखाएगा अगर मैंने पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द वन टू वन ट्रांसफार्मर मतलब जितना आप प्राइमरी में वोल्टेज दे रहे हो उतना ही आपको कहाँ मिलना चाहिए सेकेंडरी में मिलना चाहिए अगर ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा हंड्रेड माइनस हंड्रेड तो ये जो सब्सट्रेक्टिव पोलैरिटी दिखाएगा वो ज़ीरो दिखाएगा अब हम बात करते हैं एडिटिव पोलैरिटी की अगेन यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे प्राइमरी वी वन जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिखाएगा और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाएंगे जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दिखाएगा अब हमने ये जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है दैट इज़ अगेन द वन टू वन ट्रांसफार्मर तो जितना प्राइमरी में हमें मिलता है उतना ही हमें कहाँ मिलना चाहिए सेकेंडरी में मिलना चाहिए अगर ये डायग्राम हमारी एडिटिव पोलैरिटी की है तो ये हमने थर्ड वोल्ट मीटर यूज़ किया है यहाँ पे हंड्रेड प्लस हंड्रेड यानी जो वोल्टेज मिलेगा वो टू हंड्रेड है मतलब आपका डायग्राम जो है वो कौन सी पोलैरिटी दे रहा है एडिटिव पोलैरिटी दे रहा है देन इट शोज दैट द टू वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इफ़ द पोलैरिटी ऑफ द वाइंडिंग वोल्टेज इज एडिटिव पोलैरिटी देन वोल्टमीटर रीडिंग इज वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू एंड इफ द पोलैरिटी इज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी देन वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इन दिस कंडीशन पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द वाइंडिंग शुड बी इंटर चेंज देन हम देखेंगे नेक्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट तो ओपन सर्किट टेस्ट की डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो हमें यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई देना है देन यहाँ पे वैरियक यूज़ किया है वैरियक इज़ नथिंग बट द ऑटो ट्रांसफार्मर तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉमन पॉइंट पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई रहेगा देन एक वैरियक जो जाएगा वो एमेटर को जाएगा एमेटर वैटमीटर ये सीरीज में कनेक्टेड रहेगा एमेटर करंट मेजर करेगा वैटमीटर पावर मेजर करेगा और वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर और ये जो सेकेंडरी साइड है वो ओपन रहेगी इसीलिए यहाँ पे बोला है ओपन सर्किट टेस्ट सो ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड इज ऑपरेटेड एज अ प्राइमरी एंड हाई वोल्टेज साइड इज ओपन कंसिडर द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू ट्वेंटी इज टू वन वन फाइव वोल्ट जो हमारा ये जो साइड रहेगा प्राइमरी साइड वो लो वोल्टेज साइड रहेगा और जो सेकेंडरी साइड रहेगा दैट इज हाई वोल्टेज साइड तो य, य, इस, वो, इसकी रेटिंग कितनी होगी वन वन फाइव और यहाँ की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी टू ट्वेंटी द नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेस देन टेन परसेंट ऑफ फुल लोड करंट जो नो लोड करंट रहेगा प्राइमरी साइड का वो टेन परसेंट रहेगा किसके फुल लोड करंट के सो द फुल लोड करंट ऑन एल वी साइड जो फुल लोड करंट रहेगा वो एल वी साइड में रहेगा सो so, उसको कैसे हम निकालेंगे टू पॉइंट फाइव इन टू टनरेस्ट टू द पावर थ्री इन टू वन वन फाइव टू पॉइंट फाइव इज़ द केवी रेटिंग तो हमने इसके लिए कंसिडर की है केवी रेटिंग टू पॉइंट फाइव सो so, हम फॉर्मूला लगाएंगे टू पॉइंट फाइव इंटू टेनरेज टू पावर थ्री डिवाइडेड बाय वन फाइव दैट इज केवीए डिवाइडेड बाय वोल्टेज तो वोल्टेज कितना है एल वी साइड का वन वन फाइव तो हमें एम्पियर कितना मिलता है ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फोर एम्पियर सो अंडर नो लोड कंडीशन एलवी साइड विल बी लेस देन लेस देन टेन परसेंट सो टेन डिवाइडेड बाय कितने का हंड्रेड का इन टू जो करंट मिला है वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नो लोड करंट टू पॉइंट वन सेवन थ्री एम्पियर टू मेजर दिस करंट द एमेटर ऑफ रेंज ज़ीरो टू थ्री एमपियर और ज़ीरो टू वन एमपियर यूज हमें टू एम्पियर का करंट मेजर करना है तो रेंज ऑफ एमेटर कितना होना चाहिए ज़ीरो टू थ्री एम्पियर सिंस द रेटेड वोल्टेज इज़ सप्लाइड टू दाइंडिंग इज़ वन वन फाइव वोल्ट टू मेजर दिस वोल्टेज वोल्ट मीटर ऑफ रेंज ज़ीरो टू फिफ्टीन वोल्ट यूज जो हमारा रेंज ऑफ मीटर है जो रेंज ऑफ मीटर है दैट इज़ वन वन फाइव वोल्ट हम यूज़ करेंगे तो हमें अगर वैट मीटर यूज़ करना है तो डेट इज़ द थ्री एम्पियर वन फिफ्टी वोल्ट का यूज़ होगा देन हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिर्फ डायग्राम में एक करना है कि सेकेंडरी साइड में जो हमने ओपन सर्किट रखा था उसको हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे बाकी डायग्राम एज इट इज रहेगी बट प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज रहेगा दैट इज़ द हाई वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज रहेगा दैट इज़ द लो वोल्टेज द वाइंडिंग कैरीज़ द फुल लोड करंट ऑन HV side, then the formula is 2.5 into 10 raised to the power 3 divided by 220 is 11.36 ampere. So, to measure this current, the range of ammeter is 0 to 15 ampere. अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्क्यूलेट द फुल लोड करंट थ्रू द वाइंडिंग इज टेन परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज सो जो हम वैट मीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज द फिफ्टीन एम्पियर करंट होना चाहिए और वोल्ट मीटर होना चाहिए हमारा थर्टी वोल्ट नाउ द समरी इस वीडियो से हमने क्या सीखा है पोलैरिटी टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट नाउ द सीओपीओ मैकपिंग हमारा पीओ वन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज मिल रहा है देन पी ओ सिक्स सेटिस्फाई हो रहा है आप इंडिविजुअली ट्रांसफार्मर को हैंडल करोगे तब आपका पी ओ सिक्स सेटिस्फाई होगा देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें यहाँ से किसका नॉलेज मिल रहा है इंडस्ट्री में हम यूज करने वाले हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर तो हमें सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का नॉलेज होना जरूरी है तो पावर सिस्टम में आप जब जाओगे तो ट्रांसफार्मर को हैंडल करना है तो आपका ट्रांसफार्मर का नॉलेज होना जरूरी पीएसओ टू सेटिस्फाई हो रहा है थैंक यू